हाथरस के जलेसर रोड पर हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र के जलेसर रोड पर केशवपुर चौकी है, जहां लूट और अभद्रता की सूचना पर चौकी इंचार्ज कांस्टेबल पुलिस फोर्स के साथ बैरियर लगाकर चेकिंग कर रहे थे। तभी आरोपियों की गाड़ी वहां गई, जो पुलिसकर्मियों ने रुकने का इशारा किया तो उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी पुलिसकर्मियों के ऊपर, जिसके बाद पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद गाड़ी भी पास के खेत में जाकर फंस गई, जिससे गाड़ी में मौजूद सभी लोग फरार हो गए, लेकिन साथ में मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा भागकर गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ लिया गया। वहीं दोनों घायलों को साथ ही पुलिसकर्मी उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। फिलहाल उपचार जारी है। पुलिस अधीक्षक हाथरस विकास कुमार वैद्य जिला अस्पताल पहुंच गए, जिनके द्वारा दरोगा और हेड कांस्टेबल का क्या प्रकरण, क्या घटना हुई सर? थाना जंक्शन क्षेत्र में एक बाइक द्वारा एक कंप्लेन किया गया कि पीछे से एक फोर व्हीलर आ रहा है, जिसने बदतमीजी भी किया है और हमसे लूटपाट किया है। तो इस पर PRV वहाँ थी, उसने उस गाड़ी का पीछा किया और आगे भी सूचना दी गई, तो चौकी केशवपुर पे बैरियर लगा के उसको रोकने का प्रयास किया गया। तो उस गाड़ी ने बैरियर पे गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें कि हमारे चौकी इंचार्ज और एक कांस्टेबल को भी चोट लगी, लेकिन गाड़ी रोक लिया गया, ड्राइवर को पकड़ लिया गया है और इनको चोट लगी, इसका उपचार कराया जा रहा है। इस संबंध में गाड़ी पे 4-5 लोग और बैठे थे, जानकारी में मिली है तो हसायन क्षेत्र का है और शराबी आवारा टाइप का है, उसको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा और अन्य आवश्यक बात। कितने लोग गिरफ्तार हुए? गिरफ्तार अभी एक हुआ है, अन्य को भी हम शीघ्र गिरफ्तार करें।